असलम स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हुए जो चौथा स्टेप है उस पर उन्हें कुछ मेजर टेक्निकल डिसीजंस करना होते हैं अगर तो उनकी बैकग्राउंड बिजनेस के हवाले से है तो वो ये डिसीजंस खुद कर सकते हैं अदरवाइज़ उन्हें एक्सपर्ट जो हेल्प है उसकी ज़रूरत होती है जो हाइड भी हो सकती है और वॉल्ट्री भी जो पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो बिज़नेस मॉडल इन इट्सल्फ मॉडल या टाइप क्या, क्या होगी आपके वेंचर की या एंटरप्राइज की हम पीछे डिटेल से कुछ मॉड्यूल्स जो हैं इस बारे में कर चुके हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल जो है वो इंटेग्रेटेड हो सकता है वो एम्बेडेड हो सकता है और वो एक्सटर्नल हो सकता है या हाइब्रिड हो सकता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट मिशन फोकस्ड हो सकते हैं और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो इनिशिएटिव्स uh, हैं वो फार प्रॉफिट बट सोशल मिशन फोकस भी हो सकते हैं तो ये चूज़ करना है अब सोशल एंटरप्रेन्योर ने और ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है इसीलिए मैंने कहा कि ये एक टेक्निकल डिसीजन है जिसके लिए नो हाउ एक ख़ास बैकग्राउंड यानी यानि कि अमूमन बिजनेस की बैकग्राउंड या उसकी समझ जो है वो होना ज़रूरी है डिपेंडिंग आप कितने पैशनेट हैं अपने मिशन के हवाले से और आपको क्या सपोर्ट अवेलेबल है जिसमें ह्यूमन सपोर्ट भी है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी है एक लिहाज से ये नेचुरल या आसान हो सकता है अगर आपको कहीं से कोई बड़ी सारी ग्रांट या फंडिंग मिल रही है तो ऑफकोर्स आइडिया जो होगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट और मिशन फोकस्ड होगा कि तो ये जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं मैं इसको फ्लॉग कॉज के लिए खर्च कर दूँ लेकिन अगर आपके जहन में कोई आइडिया तो है आप किसी मसले को हल तो करना चाहते हैं लेकिन यू डोंट रियली नो या वेग है कि इसके लिए रिसोर्स कहाँ से आएंगे लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा कौन स्टेक होल्डर्स हैं तो या ये कि इसके लिए रिसोर्स अवेलेबल नहीं हैं और आपको अपने रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने हैं तो डिसीजन जो है वो फार प्रॉफिट मिशन फोकस्ड के हक में होगा और हाइब्रिड भी हो सकता है या आप एक बिल्कुल अलग बिज़नेस जो है या तो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस में है वो प्रॉफिट बना रहा है और अब वो एक सोशल मिशन की तरफ शिफ्ट करना चाहता है या उसको साथ लेके चलना चाहता है और दोनों को वो हाइब्रिड फॉर्म में इकट्ठा कर लेता है तो ये मॉडल का डिसीजन बाजुकात डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड सरकमस्टेंसेस एंड सपोर्ट अवेलेबल नेचुरल भी हो सकता है और इसको बहुत सोच समझकर टेक्निकली भी करना पड़ सकता है और बाजुकात मॉडल जो है वो अगर आपने स्ट्रेटिकली एनफ प्लान ना किया हो तो उसको चेंज भी करना पड़ सकता है शुरू में रिसोर्स अवेलेबल थे कहीं से कोई ग्रांट मिली काम शुरू कर दिया अंदाज़ा नहीं था कि इस पर कितना ख़र्चा आएगा या डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब आपके पास रिसोर्स नहीं है स्केल स्केल अप करने के लिए तो मॉडल चेंज करना पड़ा कि अब बायदा एक बिज़नेस शुरू किया जाए जहाँ से पैसे आए एक्सेस रेवेन्यू जनरेट हो और फिर उसको सोशल कॉज के ऊपर लगाया जाए तो ये है बिजनेस मॉडल का डिसीजन दूसरा मेजर डिसीजन जो इस स्टेज पर सोशल एंटरप्रेन्योर को करना होता है अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में वो है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी जी टी एम कैसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है किन कस्टमर्स को टारगेट करना है कौन बेनिफिशरीज हैं और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कौन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो मार्केट में ऑलरेडी लोग हैं उनके साथ कंपटीशन, उस कंपटीशन को कैसे कोप करना है ये सारे इश्यूज़ स्ट्रेटजिक प्लानिंग की इस स्टेज पर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जो है उसमें तय किए जाते हैं अगर ऑफ कोर्स आप सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्रीट टर्म्स में एंटिसिपेट नहीं कर सकते लेकिन अगर आप उनका एक एनालिसिस स्टेज पर नहीं करते तो एक तरह से ये ऑफ फंडेड मार्केट में एंटर होने वाली बात है जिसके रिजल्ट्स रिज़ल्टमूम इतने खुशगवार नहीं होते तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जो है वो इम्पोर्टेंट है आप एक बहुत अच्छे मिशन के साथ निकले हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों की एक बहुत ही ज़रूरत जो है ज़रूरी ज़रूरत उसको पूरा कर रही है लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कौन बेनीफिशरी है वो कहाँ है उस तक एक्सेस कैसे करनी है तो ये वो इश्यूज़ हैं जो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी में कवर होते हैं तीसरा जो सेट ऑफ मेजर डिसीजंस इस स्टेज पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए सोशल एंटरप्रेन्योर को करना है वो पार्टनरशिप्स के हवाले से है आप अकेले काम कर सकते हैं जितना ज्यादा पैशन है जितनी कमिटमेंट है जो आपकी सोच है जो आपका विजन है वो आपको आगे लेके चलता है लेकिन लाइफ की रियलिटीज़ और ख़ास तौर पर बिज़नेस की दुनिया की एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड की रियलिटीज़ कहती हैं कि आपको पार्टनरशिप्स चाहिए होती हैं ये फॉर्मल पार्टनरशिप्स हो सकती हैं और ये इनफॉर्मल पार्टनरशिप्स हो सकती हैं जैसे वॉल्टियर्स है जैसे आपका सोशल नेटवर्क है आपके साथ जो आप पहले बिज़नेस में लोग थे अब आप आपके नए मिशन में भी आपके साथ हैं इस तरह की इनफॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं लेकिन फॉर्मल पार्टनरशिप के बारे में सोचना इस स्टेज पर ज़रूरी है ताकि कुछ अहम क्वेश्चंस को सेटल किया जा सके सबसे पहले तो ये कि क्या मैं अकेले एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर इस कॉज को अचीव कर सकती हूँ कर सकता हूँ अगर नहीं तो मुझे क्या किसी पार्टनरशिप की ज़रूरत है सपोर्ट की ज़रूरत है क्या जिन लोगों के बारे में या जिनके साथ जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं पार्टनरशिप के मैंने सोचा है या मेरे जहन में है उन लोगों के पास उन ऑर्गनाइजेशन के पास वो कॉम्पटेंसीज़ वो स्किल्स वो रिसोर्स हैं जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाने में ज़रूरी हैं या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप के हवाले से ये भी सोचना ज़रूरी है कि ईच पार्टनर पार्टनरशिप में क्या लाता है आप एक पार्टनर हैं और एक पार्टनर आप कहीं से सीख कर रहे हैं आप उसको अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीख कर रहे हैं तो उसकी भी तो को कोई इंटरेस्ट कोई मोटिव्स होंगे जो वो आपके साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना चाहे तो ये क्वेश्चन इस स्टेज पर पूछना अपने आप से ज़रूरी है बल्कि बाज़ एडवाइजर्स जो हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के वो एडवाइस करते हैं कि इसी स्टेज पे एक्चुअली सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने पोटेंशियल पार्टनर्स को रीच आउट करते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कॉन्सेंट या एग्रीमेंट ले लेते हैं कि बाहम हमारी क्या टी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी पार्टनरशिप की आर यू विलिंग टू वर्क विद अस और आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होंगी पार्टनरशिप के हवाले से ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि गिवन द कंट्री कॉन्टेक्स्ट या कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट या इस पार्टनरशिप को कहीं रजिस्टर कराने की ज़रूरत है इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कोई लिखत पढ़त करने की ज़रूरत है कहीं किसी कोर्ट में कहीं स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं और कोई इस किस्म की पार्टनरशिप है तो उसको रजिस्टर करने के लिए उसकी लिगैलिटी या उसको एज़ लीगल एंटिटी तय करने के लिए क्या ज़रूरिया हैं ये इसी स्टेज पर तय होंगी ऐसे नहीं हो सकता कि आप काम शुरू कर दें और कल को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की और अमूमन गलतियाँ होती हैं सोशल तो एंटरप्रेन्योर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं तो ज़िम्मेदारी लेने के वक्त पार्टनरशिप जो है वो शटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि खास तौर पर जब कोई चीज़ कंट्रोल में ना रहे कोई गलती हो तो अब जिम्मेदारी कौन लेगा सोशल एंटरप्रेन्योर उसके पार्टनर्स ये चीजें पहले तय होना जरूरी हैं और खास तौर पर अगर कोई लीगल इम्प्लीकेशन है उसकी तो उनको पहले से तय करना जरूरी है स्ट्रेटजिक प्लानिंग का ये स्टेप फोर जो है बिजनेस मॉडल का ये डिसीजन इस स्टेज पर कर लिए जाते हैं और अगर कर लिए जाए तो आगे बढ़ने में सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए आसानी होती है थैंक यू